हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। तो आज की वीडियो में हम टेस्ट करेंगे अपनी जो ये ब्रेजा है, ब्रेजा ZXi प्लस 2023 टॉप मॉडल। तो इसका म्यूजिक सिस्टम मैं चेक करने जा रहा हूँ, मतलब आपको एक आइडिया देने जा रहा हूँ कि म्यूजिक सिस्टम इसका कैसा है, ऑडियो क्वालिटी कैसी है, बेस साउंड कैसा है, और इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें कौन कौन से म्यूजिक मोड आते हैं, वही वगैरह वगैरह जो भी है वही सब एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो कंटिन्यू, ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। कार जो है अपनी हो गई है। अभी मैंने NCS का सॉन्ग लगा लिया, अभी राइट ना है। बाकी बात करें स्पीकर की, तो यहाँ इसमें चार स्पीकर आते हैं, एक यहाँ, एक इस साइड, दो पीछे के गेट पे, और बाकी दो ट्विटर आते हैं, एक यहाँ एक यहाँ। टोटल चार स्पीकर हैं, दो ट्विटर हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक और सॉन्ग मैंने लगाया है फियरलेस। अब वॉल्यूम फुल करते हैं, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो हो गई म्यूजिक सिस्टम की बात, साउंड कैसा है। बाकी अब आगे की बात करते हैं। इसका जो म्यूजिक सिस्टम है उसमें क्या क्या सेटिंग मिलती है अपने को, तो मैं अभी दिखा देता हूँ। ये अपन पहले बता देता हूँ, होम पे आ गए, सेटिंग में गए, उसके बाद ये म्यूजिक सिस्टम। हाँ, तो अब इसमें सबसे पहले आपको ये दिखेगा, ये ऑटोमेटिक साउंड लेवल एडजस्ट। बाकी ये सराउंड सेंस में जब हम जाएंगे तो इसमें हमको तीन ऑप्शन मिलता है। अभी फिलहाल नेचुरल पे है, उसके बाद इसको हम इस पर भी कर सकते हैं। हो जाएगा थोड़ा बेस बढ़ जाएगा, इम्प्रेसिव हो जाएगा, मतलब हैवी बेस इसमें आ जाएगा। इसमें जो है साउंड क्वालिटी जो है स्वीट स्वीट रहेगी। इसमें जो है नेचुरल, मतलब जैसा आपका गाना है बिल्कुल वैसा ही सेम बजेगा, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। ये हो गया, तो इसको नेचुरल पर रहने देते हैं। बाकी ये बैलेंस फेडर, तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कौन से मतलब कौन से स्पीकर से आपको कितनी आवाज़ चाहिए। मतलब ये ड्राइवर साइड पे कर देंगे तो ये ड्राइवर के ही सिर्फ आगे के दो स्पीकर बजेंगे, रियर पे कर देंगे तो पीछे के दो रियर बजेंगे बस। बट इसको हम मिडल में कर देते हैं, जैसा कि था, चारों स्पीकर और वो ट्विटर हमारे बजने चाहिए। तो ये हो गई बात। अब उसके बाद अपन चलते हैं बैक। अब इसमें है हमारे पास एक ये ऑप्शन, इक्वलाइजर प्रीसेट। तो इसमें हम अपने हिसाब से बेस, मिड, ट्रेबल एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी ये कस्टमाइज यहाँ से कर सकते हैं। बाकी इसे ऑप्शन है फ्लैट, रॉक, क्लासिक, जैज, हिप हॉप, पॉप, अपने हिसाब से आप कुछ भी रख सकते हैं या फिर कस्टम अपना कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर यहाँ से बैक चलते हैं हम। उसके बाद ये हो गया, वो हो गया। अब ये वॉल्यूम का है यहाँ पर सेटिंग, तो इसमें आप अपना सेट कर सकते हैं। मतलब जब आपकी फ़ोन कॉल की ऑडियो कितनी चाहिए, फ़ोन रिंग करे तो उसकी ऑडियो कितनी तेज़ बननी चाहिए, अलर्ट जो मैसेज वगैरह आए उसका ऑडियो कितना होना चाहिए, DRM, इंटरप्ट, ऑनबोर्ड VR,
SMS रीडिंग, RDS इंटरप्ट, मतलब यही सब सेटिंग की ऑडियो हो गई। अब हम उससे नीचे बढ़ते हैं तो हमको स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल, मतलब इसकी स्पीड के हिसाब से ही अपना वॉल्यूम जो है वो कम बेसी कर लेगा गाड़ी का जो स्पीड होगा। ये सिस्टम बीप है, ये ऑन रहता है सीट बेल्ट वगैरह के लिए। बाकी ये हो गया फंक्शन। अब नीचे देखते हैं RDM स्पीक, तो ये सब तो अपने काम की चीज़ें नहीं है, जो काम की थी वो मैंने बता दिया। म्यूजिक सेटिंग में यही था, बाकी तो इसमें इतना ही था। आई होप आप लोग को आइडिया मिल गया हो म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड कि इसका म्यूजिक सिस्टम कितना लाउड है, कैसा है। मतलब कार में बैठो तो बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, मतलब डिसेंट अच्छा खासा म्यूजिक है, मतलब सुनने के लिए मस्त। फुल वॉल्यूम पे आप चला दो, एक्सीलेंट क्वालिटी है, कोई कहने की दिक्कत नहीं है उसमें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं दूसरी वीडियो में, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।